सिकंदरलाल जैन एडवोकेट, श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक समाज, उसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं और विजयनंद डायग्नोस्टिक सेंटर लुधियाना में पिछले लगभग 60 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। जैन धर्म में दीपावली पर्व का अपना ही महत्व है। इस दिन को हम भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के रूप में मनाते हैं। दीपावली के दिन परमात्मा महावीर 72 वर्ष का आयुष्कर्म संपूर्ण कर निर्वाण पद को प्राप्त हुए और उन्होंने देशना दी थी। इसी अनुरूप हम दीपोत्सव के रूप में उनका दिन मनाते हैं। इस दृष्टि से यह वर्ष हमारे लिए जैन धर्म में एक तरह का सम्मत का प्रारंभ भी करता है कि भगवान महावीर के नाम से जो संवत शुरू होता है वो इसी दिन से शुरू होता है। इसलिए भी जैन दृष्टि से इस पर्व का अपना ही महत्व है। आइए हम सब मिलकर इस महापर्व को अंतःकरण से बड़े उल्लास से मनाएं और हम कामना करें परमात्मा के चरणों में कि आने वाला वर्ष सारे भारत के लिए, सारे विश्व के लिए, मानव जाति के लिए और सभी जीवों के लिए मंगलकारी हो और जो आने वाला समय है वो हम बड़े सुखद पूर्वक क्षण में बिताएं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सबको हार्दिक दीपावली महापर्व की बधाई देता हूँ। एक और भी जैन धर्म की दृष्टि से इसके साथ प्रसंग जुड़ा हुआ है कि दीपावली के दूसरे दिन एक विशेष दिन आता है भैया दूज, और भैया दूज का दिन हमारे जैन धर्म के महान गुरु जिन्होंने पंजाब में क्रांति लाई श्रीमद विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब से आदेश और आशीष पाकर उन्होंने जैन धर्म में एक क्रांति लाकर शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया। मेरा भाव जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब से है। उनका जन्मदिन भैया दूज वाले दिन आ रहा है। हम उस दिन की भी सकल जैन समाज को हार्दिक बधाई देते हैं।